हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ कवर कर रहे हैं ट्रिपल सी क्रैश कोर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जितने भी मटेरियल होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसका मैंने प्रैक्टिकल, अगर आपको प्रैक्टिकल कुछ सीखना है, ठीक है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रैक्टिकली सीख सकते हो। एमएस वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, अगर सी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो तो सी लैंग्वेज का भी देख सकते हो सेशन, और टेलीविजन सीख सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें पोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम पूछता है तो इज़ अ फिजिकल डॉकिंग पॉइंट यूजिंग विच इज विच एन एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। मतलब क्या, मान लो ये सीपीयू है, ठीक है, इसके साथ अगर यूएसबी कनेक्ट करना चाहते हो तो ये भी तो पोर्ट ही कहलाएगा ना। इससे अपना फ़ोन को आप कनेक्ट कर लो केबल से, ठीक है, ये भी पोर्ट कहलाता है, ठीक है। कैन ऑल्सो बी प्रोग्रामेटिक डॉकिंग पॉइंट थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लो फ्राम अ प्रोग्राम टू कंप्यूटर और ओवर द इंटरनेट। यानी क्या कर सकते हैं, हम मोबाइल से इंटरनेट भी चला सकते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन को भी ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आया पोर्ट। अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे पोर्ट किस टाइप के होते हैं। देखो ये कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, ये कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, ये कुछ पॉइंट दिख रहे हैं ना, सब अलग अलग पॉइंट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इथरनेट पोर्ट है, जैसे RJ45 केबल यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट चलाना होता है ना तो हम यूज़ करते हैं RJ45 केबल। मॉडर्न RJ11 भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एक कनेक्टर ये भी दिख रहा है। यहाँ पे सब अलग अलग कनेक्टर होगा, कोई USB कनेक्टर होगा, USB में दो कनेक्टर होते हैं, एक होता है USB, एक होता है 3 होता है, एक 2 होता है, ठीक है ना। एक होता है सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट करने के लिए, और PS2 केबल का इस्तेमाल करते हैं। देखो PS2 केबल हम दो टाइप से यूज़ करते हैं, जो हमारे पास माउस होता है ना, माउस का केबल जो होता है और कीबोर्ड का होता है वो हम यूज़ करते हैं PS2 में, ठीक है। और एक ये वाला जो कलर होता है, ये वाला यूज़ होता है कीबोर्ड के लिए और ये होता है माउस के लिए। तो माउस तो अब अभी फ़िलहाल आ गया है USB वाला, तो USB वाला यूज़ होता है। इसके बाद देखो ये पैरेलल पोर्ट है, इनका भी इस्तेमाल होता है। कुछ टाइप के होते हैं जो प्रिंटर कनेक्ट होते हैं, कुछ पोर्ट अलग अलग, प्रिंटर भी कई टाइप के होते हैं, उनको भी कनेक्ट करने के लिए। गेम वगैरह खेलना होता है तो गेम का पोर्ट ये दिख रहा है आपको, ठीक है। USB की बात करें तो देखो USB वाला पोर्ट हो जाएगा, ठीक है, आपके फ्रंट में होता है। और अलग अलग कोई केबल है, SATA केबल है, ठीक है, ड्राइव है, उन सबको कनेक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। VGA केबल मतलब जो मॉनिटर से केबल जो आता है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो VGA केबल में आता है, ठीक है। और कोई वीडियो केबल है तो वीडियो केबल भी कनेक्ट कर सकते हैं, HDMI वीडियो ग्राफिक्स के लिए। और डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ पोर्ट्स हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, माइक का भी होता है और स्पीकर का होगा, ठीक है, ये सब इसके पोर्ट्स हैं। यानी क्या है, जो अलग से डिवाइस क्या होगा आपके पास, उस चीज़ को आप यहाँ पे पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट करोगे। ये जो CPU होगा, CPU के इसके बैक साइड में सब पोर्ट बने होते हैं, इसमें सब कुछ कनेक्ट होता है, ठीक है। अब सीरियल पोर्ट क्या होता है उसको समझ लेना। यूज फॉर एक्सटर्नल मॉडर्न एंड ओल्डर कंप्यूटर माउस, ठीक है। और जो पुराने टाइम के माउस यूज करते थे वो सीरियल पोर्ट कहलाते थे। इसमें 2 वर्जन होते थे, 9 पिन और 25 पिन मॉडल। एक पिन भी डिस्टर्ब हुआ तो खराब हो गया, ठीक है। और डेटा ट्रेवल 115 kbps इसका रफ्तार होता था। पैरेलल पोर्ट क्या है, यूज़ फॉर स्कैनर एंड प्रिंटर। यानी जो पैरेलल प्रिंटर थे, पोर्ट होते थे, यानी एक साथ कई सारे उसमें पोर्ट बने होते हैं ना, उसको बोलते हैं पैरेलल पोर्ट, यानी डॉटर बने होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो इनको पैरेलल पोर्ट बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड प्रिंटर पोर्ट। इसमें पिन कितने होते हैं, 25 पिन होते हैं, बाकी ये आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो। PS2 केबल में आपको पता होगा 6 पिन होता है, 1 पिन डिस्टर्ब होता है तो माउस खराब हो जाता है, ठीक है ना। केबल खराब हो गया तो कौन फिर खराब ही हो गया ना। इसके बाद USB क्या है उसको समझ लो थोड़ा सा। USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, इट कैन कनेक्ट ऑल काइंड ऑफ एक्सटर्नल USB डिवाइस, जैसे हार्ड डिस्क भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सटर्नल माउस भी यूज़ करो, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ठीक है, इन सबको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये कब आया, इंट्रोड्यूस हुआ था 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, ओके। और अब तो हम लोग USB पोर्ट ही इस्तेमाल कर रहे हैं या वायरलेस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और इसका जो डेटा ट्रैवल रेट क्या है, ये 12 Mbps है, ठीक है, तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत। VGA पोर्ट क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर, कनेक्ट मॉनिटर टू कंप्यूटर वीडियो कार्ड। और इसका 15 होल्स होते हैं इसमें, मतलब जो VGA पोर्ट होता है इससे मॉनिटर को कनेक्ट किया जाता है। पावर कनेक्टर, इसमें 3 प्लग होते हैं, यानी 3 डॉट बने होते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं।
फायरवायर पोर्ट क्या है, ट्रांसफर लार्ज अमाउंट डेटा वेरी फास्ट स्पीड, यानी डेटा को ट्रांसफर करना होता है, यानी इसका जो स्पीड है 400 टू 800 मेगाबिट पर सेकंड के लिए, ठीक है। और एप्पल ने फर्स्ट टाइम इसको इन्वेंट किया था। इसके बाद है मॉडेम पोर्ट क्या है, कनेक्ट पीसी मॉडेम टेलीफोन नेटवर्क। इथरनेट पोर्ट क्या होगा, इथरनेट पोर्ट से हम क्या करेंगे, नेटवर्क कनेक्ट करेंगे, हाई स्पीड नेटवर्क, यानी क्या जैसे RJ45 केबल होता है उनसे कनेक्ट करते हैं। इसके बाद गेम पोर्ट क्या है, इसे पीसी के माध्यम से हम कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी वाला भी आ चुका है अब। इसके बाद डिजिटल वीडियो इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है, LCD के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। सॉकेट क्या है, कनेक्ट माइक्रोफोन, जो सॉकेट बोलते हैं ना, जो माइक्रोफोन वगैरह के लिए होता है, स्पीकर के लिए होता है, साउंड कार्ड के लिए होता है, उनको बोलते हैं सॉकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है उसको समझना, हार्डवेयर रिप्रेजेंट दैट फिजिकल एंड टेंजिबल, दिखाई देने वाला कंपोनेंट होता है, ठीक है। मतलब क्या, हार्डवेयर दिखाई देने वाला फिजिकल कंपोनेंट होता है, जैसे क्या इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या आ जाएगा, कीबोर्ड माउस वगैरह आ जाएगा। आउटपुट डिवाइस मतलब प्रिंटर, इससे कुछ रिजल्ट दिखता हो। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब क्या, हार्ड डिस्क, CD, DVD। इंटरनल कंपोनेंट मतलब CPU, मदरबोर्ड, रैम। एक होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे क्या SMPS हो गया, CPU के अंदर जितने भी ऑप्शन आएंगे उसको बोलेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। ये आप देख सकते हो, ये इसको बोलेंगे हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है ना। ओके, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा करता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक रिलेशनशिप पूछ देगा, उसको समझ लेना, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बोथ ऑफ देम मस्ट वर्क टुगेदर टू मेक अ कंप्यूटर प्रोड्यूस अ यूजफुल आउटपुट। मतलब क्या, हार्डवेयर और आउटपुट जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट यूटिलाइज विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आपके पास है हार्डवेयर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से सब समझ लेना, हार्डवेयर इज अ वन टाइम एक्सपेंस, ठीक है। हार्डवेयर एक बार एक्सपेंस हो जाएगा, जब खरीदोगे तब एक्सपेंस होगा। आप सॉफ्टवेयर चाहे जितनी बार, आपके पास फ्री वाले भी सॉफ्टवेयर आते हैं और परचेस वाले भी आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक में क्या आएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्राम का सेट होता है, विच इज डिजाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन, उसको डिफाइन किया जाता है एक अच्छे फंक्शन से। अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटेन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम प्रोग्राम के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब सिस्टम क्या होता है, जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर हमें फ्री मिल जाते हैं, ऐसे ही से CMD हो गया, नोट पैड, वर्ड पैड, ठीक है, मैग्नीफायर मिल जाएगा, स्निप टूल मिल जाएगा, वो उसको कहते हैं हम लोग कैलकुलेटर भी आएगा इसी में। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है जो हम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल क्या करेंगे, MS Office, टैली, AutoCAD, फोटोशॉप, CorelDRAW, जो हम इंस्टॉल करेंगे उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, समझ लो। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर जनरली प्रिपेयर बाई कंप्यूटर मैन्युफैक्चर, यानी जो इसका जो बनाया जाता है वो मैन्युफैक्चर टाइम में ही बनाया जाता है, यानी जो कंप्यूटर का जो विंडोज होता है। दीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज ऑफ प्रोग्राम रिटन इन लो लैंग्वेज, इस टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं वो लो लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं, विच इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं एट वेरी बेसिक लेवल, जो हार्डवेयर से एक अच्छे लेवल पे मतलब अपना कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। देखो यहाँ पे विंडोज है, लिनक्स है, देखो लिनक्स का जो सिंबल है ना ऐसा बना रहता है। अब इसके बाद देख लो यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर डिजाइन टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड, अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जहाँ ज़रूरत होता है वैसा बनाया जाता है। अगर डेटाबेस स्टोर करना है तो हम SQL का इस्तेमाल करेंगे, टैली का काम करना है मतलब कोई मैनेजमेंट का काम करना है, टैली जोड़ने घटाने का, एक्सेल का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, एक्सेल का, टैली, ERP 9 का इस्तेमाल करेंगे। फोटोशॉप एडिटिंग करनी है तो फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेनी कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड फॉर द रिटन एंड एडिटिंग सिंपल टेक्स्ट, इट मे आल्सो कॉन्सिस्ट अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। और जैसे क्या करना है हमें, बेसिकली इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या कर सकते हैं हम लोग, पेरोल सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग
पेरोल से क्या करते हैं हम लोग, सैलरी मैनेजमेंट करते हैं और अटेंडेंस वगैरह, एक ऑफिस का स्टाफ का पूरा डिटेल रखते हैं हम लोग यहाँ पे, और स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर वाला सब हो सकता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात हो रही है, इन्वेंट्री मतलब होता है वस्तु की सूची यानी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर हो सकता है, रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट हो सकता है यानी एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, और फोटोशॉप भी हो सकता है कि नहीं, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। ओके, इनको क्या कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, इसको यूज़र द्वारा क्लोज किया जा सकता है, इजी टू डिज़ाइन, इसको डिज़ाइन करने में बहुत आसान होता है, और जो स्पीड होती है स्लो होती है, जनरली रिटेन जो ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं वो हाई लेवल में लिखे गए होते हैं, इसको समझना आसान होता है, ठीक है ना। ओके, तो इस सेशन में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है।